गन्ने में नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक ब्यांत उत्पादन व शुरुआती सर्वश्रेष्ठ वृद्धि प्रवस्था में होती है। ब्यांत उत्पादन प्रवस्था की शुरुआत 30वें से 45वें दिन के बीच में होती है, इसलिए नाइट्रोजन का पहला प्रयोग ब्यांत उत्पादन की शुरुआती प्रवस्था में किया जाना चाहिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पहला प्रयोग रोपण के 45 दिन बाद जबकि दूसरा हिस्सा रोपण के 90 दिन बाद प्रयोग किया जाता है। एक 12 महीने की फसल में 120 से अधिक देरी से नाइट्रोजन के प्रयोग से रस की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव देखा जाता है। इस प्रयोग से वानस्पतिक वृद्धि चलती रहती है, देरी तक ब्यांत उत्पादन चलता रहता है, रस की पोल प्रतिशत में गिरावट, रस में घुलनशील नाइट्रोजन संयोजकों में वृद्धि, जलीय शाखाओं का बनना और इसी प्रकार की अन्य समस्याएं देखी जाती हैं जो चीनी उत्पादन को प्रभावित करती हैं। पोटैश का प्रयोग भी आमतौर पर नाइट्रोजन के साथ ही 45वें व 90 दिनों पर किया जाता है, क्योंकि पौधों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग पोटैश की उपस्थिति में बेहतर होता है। नाइट्रोजन व पोटैश खादों का प्रयोग विभाजित मात्राओं में किया जाना चाहिए और इन्हें गन्ने की पंक्तियों में दोनों तरफ पट्टियों में डाला जाना चाहिए। खादों को डालने के बाद ढकना अति आवश्यक है ताकि नाइट्रोजन की वाष्पशीलता को कम किया जा सके। खादों को ढकने के लिए प्रथम प्रयोग के समय थोड़ी मिट्टी अवश्य चढ़ाएं और दूसरे प्रयोग के बाद पूरी मिट्टी चढ़ा देवें।